The next topic is the angina pectoris. Angina pectoris. सबसे पहले angina pectoris का जान लेते हैं कि angina pectoris होता क्या है. Angina pectoris. Angina pectoris का साफ सा मतलब है अगर अपने हार्ट के अंदर हार्ट के चार चैंबर है ठीक है हार्ट के अंदर लेफ्ट साइड में जो पेन होता है लेफ्ट साइड में पेन होता है वो होता है एंजाइना की वजह से जनरली अपन लोग बेसिकली इस चीज को बोलते हैं ठीक है एंजाइना का जनरली बेसिकली बोला जाता है कि चेस्ट पेन जो कि हार्ट जो कि लेफ्ट साइड में हो रहा है वो एक एंजाइना है लेकिन ये होता क्यों है पेन चेस्ट पेन अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो होता क्यों है अगर ब्लड की डिफिशियंसी होती है या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी या फिर ब्लड की डिफिशियंसी ब्लड की कमी या फिर ऑक्सीजन की कमी ऑब्वियसली जब ब्लड की कमी होगी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी खुद खुद हो जाएगी आरबीसी की वजह से आरबीसी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के चार मॉलिक्यूल ठीक है ऑक्सीजन आरबीसी नहीं होगी मतलब ब्लड नहीं होगा तो आरबीसी नहीं आरबीसी तो हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन नहीं और ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से जो लेफ्ट साइड में पेन होता है मसल्स को जितनी रिक्वायरमेंट है हार्ट की मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और उतनी रिक्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है जब उस टाइम पेन होता है तो उसको अपन लोग बेसिकली क्या बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस ओके बताओ यस सर एंजाइना पेक्टोरिस एंजाइना पेक्टोरिस को जनरली अपन लोग डिवाइड कर देते हैं कितने टाइप्स में टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस कितने टाइप के 1 2 3 जनरली तीन टाइप्स की एंजाइना पेक्टोरिस होती है ठीक है अपन लोग जो पढ़ते हैं उसमें जनरली तीन टाइप के एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस एंड वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस ये मैंने कुछ डायग्राम बना रखे तीन इन डायग्राम्स के बारे में अपन लोग बताएंगे बात करेंगे अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है किसकी वजह से ब्लड की वजह से अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है ओके बेसिकली सर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी अब अपन लोग यहां पे देखते हैं कि जब किसी भी आर्टरी में या फिर वेंस में ये यहां से कौन सी आती है वेंस आती है इनको अपन लोग क्या बोलते हैं पल्मोनरी वेंस बोलते हैं पल्मोनरी वेंस जो कि प्यूरीफाइड ब्लड को लेकर के आती है किसके लिए लेफ्ट आर्टरी में ठीक है अगर इन वेंस के अंदर प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है जिस फोर्स के अकॉर्डिंग जिस कंसंट्रेशन में जिस प्रेशर से इनके अंदर से ब्लड की सप्लाई होती है वो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है या अगर ग्रोथ कम होती है बॉडी का वॉल्यूम नॉर्मल है बॉडी के अंदर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल है जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उतना है लेकिन फिर भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है तो अपन लोग वी कैन से कि अपनी वेंस में या फिर आर्टरी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ठीक है कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो ये चेस्ट पेन होता है ठीक है और इनको तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि अगर कोई भी काम कोई भी बंदा कोई भी ह्यूमन बींग्स अगर वर्किंग टाइम पे अगर चेस्ट पेन हो रहा है वर्किंग टाइम पे अगर चेस्ट पेन हो रहा है ठीक है तो अपन लोग बोल सकते हैं उसको कि एंजाइना पेक्टोरिस स्टेबल वाला है अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है रनिंग करते टाइम पे या कोई हार्ड वर्क कर रहा है या फिर किसी भी तरीके का खेती में या फिर फार्मर है कोई जनरली काम कर रहा है आपकी पर्सनली ठीक है कोई ईंटों को भट्टे पे ईंटे उठा रहा है किसी भी तरीके का काम कर रहा है वर्किंग टाइम पे अगर चेस्ट पेन हो रहा है और उसके कॉम्प्लिकेशंस है सिम्टम्स दिखा रहे हैं एंजाइना वाले ठीक है तो अपन लोग उसको बोल सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस ठीक है और दूसरा काम क्या होगा दूसरा क्या हो सकता है कि जब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा होने
वजह से ब्लड का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्लड का जो वे है जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, तो आगे प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी होगी। ठीक है, इसको अपन लोग वर्किंग टाइम पे अगर चेस्ट पेन हो रहा है, वर्किंग टाइम पे अगर हार्ट पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। सेकंड पॉइंट बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर अगर रेस्टिंग टाइम पे, रेस्टिंग टाइम पे अगर कोई बंदा सो रहा है, सोते टाइम पे अगर उसके चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, ठीक है, या फिर कोई बैठा हुआ है आराम रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स मोड में अगर हार्ट के रिलैक्स टाइम पे या फिर हार्ट रिलैक्सेशन के टाइम पे अगर पेन होना शुरू हो जा रहा है वो भी लेफ्ट साइड में, तो उसको अपन लोग अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जनरली बैठने के टाइम पे जो पेन होता है उसके अंदर भी ये थक्का जमने के चांसेस बन जाते हैं, थक्का जम जाता है, उसकी वजह से ब्लड अगर प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाया तो ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो जाती है। इसके अंदर अगर मेडिसिन लेंगे तो रिलीफ मिलता है लेकिन कुछ टाइम बाद ठीक है, कुछ टाइम बाद मिलता है, ऑन सेट इसमें रिलीफ नहीं मिलता है। तीसरे पॉइंट बात करेंगे वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस। वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है कि रेस्टिंग टाइम पे अगर है बंदा तो उसके पेन तो होगा, सेम सिचुएशन है, ठीक है, सेम सिचुएशन है, पेन तो होगा, अगर रेस्टिंग टाइम पे है तो उसके पेन होगा, तो फिर अनस्टेबल और वेरिएंट में अंतर क्या हुआ, अंतर ये हुआ कि अगर अपन लोग मेडिसिन लेंगे तो तुरंत पेन रिलीफ हो जाएगा, मेडिसिन लेने से तुरंत पेन रिलीफ हो जाएगा, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी वेन्स और आर्टरीज होती है उनके अंदर क्या होता है नैरोनेस आ जाती है, ठीक है, नैरोनेस आने की वजह से इसके अंदर ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो अपन लोग यहां पे वैसोडायलेटर यूज करते हैं। वैसोडायलेटर की वजह से ये वेसल्स जो है डायलूट हो जाती है और इनका साइज जो है बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाने की वजह से ब्लड इजीली फ्लो करना शुरू कर देता है, तो यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम नहीं होती है, वो प्रॉपर तरीके से फ्लो होने लग जाएगा तो चल जाएगा। अगर अपन लोग मेडिसिन नहीं लेते तो ये पेन कंटिन्यूअसली होगा, लेकिन वेरिएंट एंजाइना पेक्टोरिस इसीलिए बोलते हैं इसको कि जब इसके अंदर अगर अपन लोग कोई मेडिसिन लेते हैं तो उस टाइम पे जो पेन है इसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, ठीक है।